नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। वक्त हो गया है खबरें फटाफट का, आइए शुरू करें। चंबा में फिर बारिश का सितम, सलूनी में मढ़ी नाला पर बना पुल ध्वस्त, हिमगिरी का संपर्क कटा। कीचड़ की परवाह किए बिना गाड़ी छोड़ पैदल ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के निरीक्षण को निकल पड़े मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। धर्मशाला में भारी तूफान ने खूब मचाया कहर, शहर के साथ लगते क्षेत्र घरों में वर्षों पुराना आम का पेड़ धराशायी, चार गाड़ियां चकनाचूर। जयसिंहपुर में बारिश का तांडव, हलेड़ में घरों और दुकानों में घुसा खड़का पानी, डर के साए में कटी रात। मंडी के तवारफी स्कूल पर गिरी पहाड़ी, बड़े बड़े पत्थर गिरने से बिल्डिंग को पहुंचा भारी नुकसान। मंडी से और तक सफर करना खतरे से खाली नहीं, एक तो जगह जगह जाम और फिर पहाड़ी से कहीं से भी गिरने लगते हैं पत्थर। मूसलाधार बारिश ने खूब मचाया कहर, घरों और दुकानों में घुसा बरसाती पानी, शिलाई में दहशत के मारे लोगों ने सड़क पर रात बिताई। सुंदरनगर के नालग में भूस्खलन से मकान की दीवार सीढ़ियां ध्वस्त, खतरे में तीन घर। हमीरपुर बाजार में बेखौफ घूम रहा तेंदुआ, शहर में चहलकदमी करते वक्त सीसीटीवी कैमरा में हुआ कैद, लोगों में दहशत। सुलह में चोरों ने हराम की जनता की नींद, पहरा दे रहे लोगों ने रात को कर दी दो संदिग्ध युवाओं की धुनाई। वन माफिया पर शिकंजा, इंदौरा में खैर के मोचों सहित दबोचे पंजाब के दो वन काटू, मोटरसाइकिल भी जब्त। खाना पकाते वक्त आंखों से निकलते थे आंसू, पर अब मुख्यमंत्री गृहिणी योजना ने भर दी खुशियां, कुल्लू में कार्यक्रम के दौरान बोली महिलाएं। परिवार की खातिर मेहनत करने रोहड़ू गया था करसोग का मजदूर, और लौटते वक्त घर से चंद कदम दूर झपट पड़ी मौत। शिमला पहुंचते ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का बड़ा हमला, बोले आगे बढ़ने के लिए अनुभव की जरूरत। लाखों किसानों की अनदेखी, जयराम सरकार को पड़ेगी महंगी, मंडी में फोर लेन प्रभावितों ने दी चेतावनी। खबरें फटाफट में आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।